हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, यानी न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं, बेसिकली ये न्यूज़ की स्क्रीनशॉट है। ये कुछ 5 स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जो स्क्रीनशॉट देख के कंफर्म आप हो जाएंगे कि जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की केस में टाइम को लेके एक बहुत बड़ी खेल खेला गया था। और यदि टाइम को लेके एक खेल खेला गया था तो वो किस वजह से टाइम को लेके खेला गया था, ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण टाइम को लेके खेलना पड़ा था उन लोगों। तो चलिए पहले वीडियो की तरफ मूव करते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने है, यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं, जो मैं रेड मार्किंग करके रखा उस जगह को आप लोग फॉलो करिए एक के बाद एक। तो यह पहला घटना, जिस घटना पे आप लोगों को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को उनकी नौकर सबको ही बुला रहा था, सुशांत सिंह राजपूत रेस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर मीतू सिंह को इन्फॉर्म किया इस घटने के बारे में, जो कि सिद्धार्थ पिठानी ने खुद कहा है। यानी जो भी स्टेटमेंट है वो नौकर की स्टेटमेंट नहीं है, और लास्ट में मैं आपको एक पुलिस वाले की स्टेटमेंट दिखाऊंगा। तो सुशांत सिंह राजपूत की घर की नौकर कह रहा है कि हमने सुशांत सिंह राजपूत को बुलाया, नहीं आवाज दिया, तो हमने उनकी सिस्टर मीतू सिंह को कॉल करके तमाम सब कुछ इन्फॉर्म किया। अब जाते हैं दूसरा स्क्रीनशॉट पे। इस जगह पे देखिए कि मीतू दीदी, हम लोगों को कहा कि रूम को ओपन करने के लिए और वो जल्द ही पहुंच रही है, ऐसा ही कहा। और उसके बाद सिद्धार्थ ने की मेकर को कॉल किया। तो ये था दूसरा स्क्रीनशॉट। और ये जो भी स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये कोई एक न्यूज़पेपर से नहीं, इसको सर्च करने के लिए, इसको लेने के लिए मुझे बहुत सारे न्यूज़पेपर को झांक झांक के उसके बाद ये सब डिटेल को कलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि सारे के सारे जो भी डिटेल मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ये तमाम डिटेल आज हमारी मीडिया के सामने से, या फिर कह सकते हैं सोशल मीडिया से गायब हो चुका है। मतलब ऐसा कोई एविडेंस सुशांत सिंह राजपूत की केस में वो लोग बचा के नहीं रखना चाहते, जिसके कारण गायब कर दिया जा रहे हैं लिटरली। तो जिसके कारण ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट हो सकते हैं कि बहुत माइनर, ये आपको पता है, पर ये स्क्रीनशॉट्स आज शायद है कल ना भी रह सकते, जिसके कारण ये आपके सामने एक एविडेंस के तौर पे भी रहेगा, और ये वीडियो के माध्यम से आपके सामने तो बहुत कुछ खुल ही जाएगा। तो बैक टू द पॉइंट कि मीतू दीदी ने हमें कहा था कि मैं बहुत जल्द पहुंच रही हूं, तुम लोग दरवाजा खोलो, और सिद्धार्थ ने की मेकर को कॉल किया। यानी दो सर्कमस्टेंसेस आप लोगों के सामने क्लियर हो गया। पहला, फिर से दोहरा रहा हूं कि घर के स्टाफ ने देखा सुशांत सिंह राजपूत रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मीतू दीदी को कॉल किया गया, मीतू दीदी ने यह कहा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट घटना पर। नेक्स्ट घटना पे जो है कि आप लोगों को मैंने कहा कि रफीक, यानी वो चाबी वाला, तो रफीक को अराउंड 1:05 के आसपास कॉल किया गया है, जो कि कुछ दिन पहले ही इसको लेकर हमने डिस्कस किया। यानी उसके बाद रफीक को कॉल किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट है ये, जो कि आप देख पा रहे हैं, रफीक आया, रूम खोला, मीतू दीदी कहा था कि मैं कुछ देर बाद ही पहुंच जाता हूं, तो मीतू दीदी एंटर कर लिया रूम पे, और रूम पे एंटर करने के बाद मीतू दीदी गुलशन तूने क्या किया कह के रोने लगी। और उसके बाद फॉलो करिए इस जगह को कि द पुलिस वायर ऑल्सो कॉल्ड देयर आफ्टर। यानी सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर रूम पे पहुंचने के बाद, यानी चाबी वाला रूम खोलने के बाद, सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर रूम पे पहुंचने के बाद पुलिस को कॉल किया गया। तो लगभग से लगभग चाबी वाला जो कहा था कि मैंने 1:30 पहुंचा और 1:45 मेरा काम खत्म हो गया, तो उसके बाद यानी लगभग 2 के आसपास पुलिस वाले को कॉल किया गया था। अब आते हैं आखिरी स्क्रीनशॉट पे, जो कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूं इतना, तो घटना कुछ ऐसा ही है। देखिए, तो यहां पे इतना कुछ मैं नहीं पढ़ रहा हूं, यहां पे देखिए कि ये जो स्क्रीनशॉट है, इसमें पुलिस वाला अपना ओपिनियन, अपना स्टेटमेंट दे रहा है।
और इसी स्टेटमेंट में पुलिस वाला कह रहा है कि पुलिस वालों को बुलाया गया था 11:21 AM पर, यानी सुबह 11:21 AM पर। तो इस जगह पे दोस्तों अब आप खुद घटना को मिला लीजिए, क्या घटना मिल रहा है, यानी मीतू दीदी अगर आने के बाद, उसके बाद अगर पुलिस आते हैं तो कैसे ये घटना एक्यूरेट बैठ रहा। क्योंकि पुलिस वाला कह रहा है कि हम तो 11:21 में, इतना ही कंफर्मेशन है, इतना ही कंफर्म है टाइमिंग कि 11:21, 20 नहीं 30 नहीं 21। तो 11:21 में अगर पुलिस वाला आ जाते तो डेफिनेटली बात है कि मीतू दीदी उससे भी पहले आई होगी और उससे भी पहले चाबी वाले आए होंगे और उससे भी पहले वो लोग दरवाजा खटखटाया होगा और उससे भी पहले सुशांत सिंह राजपूत मर गए होंगे। क्या मैं सही हूं या फिर गलत? अगर टाइमिंग को बैक करना शुरू करे तो ये कौन सी टाइमिंग में जाके पहुंचेगा? क्या ये रात की 3 बजे या फिर 4 बजे 5 बजे तो नहीं पहुंच जाएगा टाइमिंग? दोस्तों कहना क्या चाह रहा है पुलिस वाला ये अभी तक मुझे कम से कम समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक बंदे का नाम नहीं लूंगा उसकी परमिशन के बिना, क्योंकि मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता। तो सुशांत सिंह राजपूत की ही एक फैन है, वो एक SSRN भी है, तो वो सुशांत सिंह राजपूत की अपार्टमेंट के सामने विजिट किया था। वहां पे जो चाय वाला था उन चाय वालों से बात की और बात करने के बाद उनको ये पता चला था कि 8:30 बजे के आसपास, जो कि मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि 8:30 बजे के आसपास ही सुशांत सिंह राजपूत की घर की सामने से जो रोड जा रहा है उस रोड पे नाकाबंदी लग गया था। हो सकता है कि घटना 3 साल पुराना हो, पर सुशांत सिंह राजपूत की केसे जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक मेरे पास नए के नए ही रहेगा। ये अभी आप मिला लीजिए, क्योंकि सोचना आपको पड़ेगा कि अगर सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसा होता है एक के बाद एक, तो फिर पुलिस वाला कैसे 11:21 में इनके पास खबर चला जाता है। क्योंकि रिपोर्ट तो कह रहा है कि मीतू सिंह की एंटर होने के बाद पुलिस वाले को कॉल किया गया था। तो फिर अगर पुलिस वाला की बात सच है तो सुशांत की घटना कितने बजे हुआ था? अब समझ में आया आपको कि मैं क्यों कह रहा था बार बार कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में टाइम को लेके खिलवाड़ किया गया था। वो लोग हर एक कदम पे टाइम को लेके खिलवाड़ किया था ताकि शायद सुशांत की केस में कुछ ऐसा चीज हो जो कि दबाने के लिए टाइम को छुपाना सबसे ज्यादा जरूरी था और जिसके कारण ही ये कांड हम लोगों के सामने आ रहा है। तो बस दोस्तों मैं एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के सामने रखा। आई होप कि इस टॉपिक के दौरान आप लोगों को कुछ जानकारी मिला होगा और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की केस में उनकी जो एक्यूरेट मृत्यु का टाइम है उसके ऊपर ये वीडियो फोकस कर पाया। और साथ ही साथ आप लोग अगर मुझे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते तो आपको तो पता ही होगा कि चारापोना आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा प्रूफ दिया था, 3 बजे का प्रूफ, और उसके साथ साथ और भी कई सारे प्रूफ आने वाले हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते। तो बस दोस्तों मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पर। टिल देन सबको खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।